हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज मैं जो वीडियो में बताने वाली हूँ उसको ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये सच में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा पावरफुल एक हेयर मास्क, जो मैं दो चीज़ों से मिलकर तैयार करने वाली हूँ। आपको कुछ तामझाम नहीं करना है, बस सिंपल सा एक हेयर मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट देखना है। सो फ्रेंड, मैं इसको दो चीज़ों से तैयार करने वाली हूँ। ये है एकदम फ्रेश दही, और दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आपको इससे अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग तैयार करना है। पहले अपनी हेयर लेंथ को देख लें, फिर उसी के अकॉर्डिंग उतना ही आपको हेयर मास्क तैयार करना है। तो देखिए, मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। ये है पैरासूट का कोकोनट ऑयल, जो कि आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना देता है। ये कंडीशनर का ही काम करता है। दोनों के फायदे अगर आपको जानने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स जो होते हैं आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने ट्राई किया है इसको। आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कर्ड के जो फ़ायदे होते हैं वो होते हैं, ये डेंड्रफ को बिल्कुल रिमूव कर देता है, आपके हेयर को नरिशमेंट देता है और आपके हेयर को शाइनी बनाता है। सेम ऐसे ही फ़ायदे कोकोनट ऑयल के भी होते हैं। ये भी कंडीशनर का काम करता है। आप बिल्कुल भी कंडीशनर ना करें अपने हेयर पे। आप अगर हफ्ते में 2 बार इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर पर, तो आपको बिल्कुल भी कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपको एकदम फ्रेश दही लेना है, उसमें कुछ चम्मच आपको कोकोनट ऑयल की ऐड करनी है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और नहाने से पहले, मतलब हेयर वॉश करने से पहले, आपको इसको 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर लेना है और देन हेयर वॉश कर देना है। उसके बाद आपको कोई सीरम नहीं, कोई आपको कंडीशनर नहीं लगाना है। देन आप उसका हेयर रिजल्ट देखना, आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने खुद इसको अपने हेयर ट्राई किया है और मैं इसका रिजल्ट भी आपको जरूर शो कराऊंगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका क्रीमी टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे। ये एकदम तैयार है लगाने के लिए। आपको मैं एक बार और बता दूं कि आपको दही लेना है, छाछ नहीं लेनी है, क्योंकि छाछ क्या होती है, उसमें क्रीमी टेक्सचर नहीं होता है, वो आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा रूखा रूखा बना देगी। आपको दही ही लेना है, उसमें क्रीमी टेक्सचर होता है जो आपके हेयर को शाइनी बनाता है। तो चलिए इसको आप अपने हेयर पे अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने अपने हेयर को ऐसे ही ओपन कर लिया है और इसको मैं अपने हेयर पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 सेक्शन में अपने हेयर को अलग अलग कर लूँगी और सेक्शन वाइज ही अपने हेयर पे इसको अप्लाई करना है मुझे। तो चलिए इसको मैं जल्दी से अपने हेयर पे अप्लाई कर लेती हूँ, और आप ज़रूर देखना कि किस तरीके से मैंने इसको अपने हेयर पे अप्लाई किया है, उसी तरीके से आपको भी करना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो देखिए, एक जो मैंने सेक्शन है अपना बिल्कुल फोल्ड कर लिया है, जिससे कि मुझे हेयर मास्क लगाने में प्रॉब्लम ना हो, और जो मेरे टूटे हुए हेयर हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए, अभी मैं कॉम नहीं करूँगी अपने हेयर को, मैं डायरेक्टली ऐसे ही हेयर मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहें तो अपने हेयर को कॉम करके भी अपने हेयर पे हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो कर्ड होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्या ये हमारे हेयर में क्या क्या काम करता है। तो देखिए, डेंड्रफ में जो समस्या होती है हमारे हेयर में डेंड्रफ की, वो आपको पता है, जब डेंड्रफ हमारे हेयर में हो जाती है तो हमें कितना इचिंग होता है, कितनी खुजली होती है और हमारे हेयर कितने टूटते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो समझ में ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, जो सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, दही में एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो आपके डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सकता है। ड्राई हेयर की समस्या में फ़ायदेमंद होता है और झड़ते हुए बालों को रोकता है। दही का अगर आप कंटिन्यूसली अपने हेयर पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके बालों को घना और मजबूत भी बनाता है, और ये आप बालों को अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि दही आपके हेयर के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ कोकोनट ऑयल की, तो नारियल का जो तेल होता है वो नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है, और ये बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। सो फ्रेंड, दोनों ही चीज़ अगर आप अपने हेयर पर मिक्स करके लगाते हो, तो आप सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। और अगर आप नारियल के तेल को हल्का सा गरम करके, मतलब इतना कि आपकी उंगली ना जले और आपको हेयर में लगाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने हेयर पे हल्के हल्के गुनगुने ऑयल से अपने हेयर पे मालिश करोगे, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपके हेयर हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये ज़रूर आप करके देखिएगा। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप हल्के गुनगुने हेयर ऑयल से अपने हेयर पे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करें, और आपको उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिलेगा। जो नारियल तेल होता है उसमें लॉरिक एसिड होता है, जो कि आपके बालों के प्रोटीन को बांध देता है और आपके हेयर जो टूटने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर हैं। अगर आप दोनों को अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं इसका रिजल्ट आपको कितना बेहतर मिलने वाला है। तो देखिए, इसको मैं अब जल्दी से अपने हेयर पे अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे कि आप जल्दी से देख पाए कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा मिला था मुझे। सो फ्रेंड, देखिए, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, जो मैंने हेयर वॉश करने के बाद कोई कंडीशनर नहीं किया है, कोई भी हेयर सीरम अपने हेयर पे अप्लाई नहीं किया है। सिंपली मैंने जो हेयर मास्क अपने हेयर पे अप्लाई किया था, उसका फाइनल रिजल्ट ये है। आप देख पा रहे होंगे मेरे हेयर हैं कितना शाइन कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा अपने हेयर पर शाइन चाहते हैं, अपने हेयर को इसी तरीके का चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए मैं बहुत अच्छी लेके आऊँगी और आपको बहुत पसंद आने वाली है।